जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है भावेश और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गूगल के डायलर ऐप में कॉल रिकॉर्ड करते वक्त जो अनाउंसमेंट होती है उसे हम लोग कैसे डिसेबल कर सकते हैं तो उसके लिए चलना है हम, हमें पहले प्ले स्टोर सॉरी ये तो रिकॉर्डिंग है प्ले स्टोर यहाँ पर सर्च करना है एक ऐप का नाम जिसका नाम है टी टी एस आ जाएगा एल ई एक्स एक्स इसको जिससे दो सौ दस के वी का है और रेटिंग भी अच्छी खास फोर स्टार की वन मिलियन डाउनलोड्स हैं इसको हम लोग कर लेंगे इंस्टॉल फिर कुछ नहीं करना है हम लोग बस इस ऐप पे जाएंगे यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर ऑप्शन आता है प्रिफर्ड इंजन स्पीच सर्विसेज बाय गूगल है इसको कुछ नहीं करना है बस इसको चेंज कर देना है उसके बाद में ये आएगा कि ये आपका डाटा वाटा कुछ ले सकता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट वगैरह चोरी कर सकता है बट इस पर मैं बता मैं बट बत, मैं इसको बताऊंगा कि ये ऐसा नहीं होता मैं कैसे उसका भी प्रूफ है इसको कर देंगे ओके सेलेक्ट कर दिया उसके बाद में होम स्क्रीन पे जाना है कुछ नहीं करना है अगर किसी किसी ऐप में रिकॉर्डिंग करते वक्त ये चीज़ नहीं स्टार्ट हो तो कुछ नहीं करना है बस आपको गूगल का डायलर आपका डाटा क्लियर करना है उसके लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है ऐप इनफो डाटा यूजेस सॉरी स्टोरेज यूज उसके बाद में क्लियर डाटा क्लियर ऑल डाटा ओके उसके बाद में आपका डायलर आपसे जो आपके जो रिसेंट होंगे खाली वो डिलीट होंगे कॉन्टैक्ट नहीं डिलीट होंगे उसके बाद हम लोग डायल करेंगे कस्टमर केयर का नंबर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस तो एक्चुअली इशू ये था कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते वक्त कॉल प्लेस नहीं कर सकते तो ये कस्टमर केयर कॉल जैसे ही कनेक्ट होगी नमस्कार जी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ फिर से सेव्ड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लैंग्वेज जैसा कि यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है तो नो डाटा विल बी कलेक्टेड